एक क्रिस्पी चेस्टनट, स्पाइसी चेस्टनट बनाएंगे। जी हाँ, चेस्टनट मतलब सिंघाड़ा। और ये जो सिंघाड़ा है, ये नॉर्मली जो चाइनीज लोग इस्तेमाल करते हैं वो कैन वाला इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैन में से चेस्टनट निकले हुए, ये देखिए कैन में से ये चेस्टनट, ये ऐसे वाले होते हैं। वाटर चेस्टनट हमारे यहाँ पर मिलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैन्ड वाले हैं, ये देखिए ये कुछ ऐसे होते हैं। पानी इसमें से एक्स्ट्रा ज़रा थोड़ा सा कुछ बूंदे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है कॉर्न स्टार्च, और उसके साथ साथ इसमें डालेंगे हम मैदा। कॉर्न स्टार्च और मैदा, इसके साथ साथ नमक इसमें, और ये सॉसेस में सोए ये ले लिया, और इसके साथ साथ रेड चिली सॉस ये आ गई, इसमें थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर। तो नमक हो गया, ये सब पाउडर वगैरह हो गए, और फिर इसे फ्राई करना है हमने। फ्राई करने के लिए ये लीजिए, ये सारे मिक्स कर दिए, इसके ऊपर लग गया मसाला। और इसको कोई ऐसे मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस तेल होना चाहिए गरम। ये लीजिए गरम तेल में, एक एक करके इसको ये डाल रहा हूँ ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये हो गया, फ्राई होने शुरू हो गए हैं। अब ये एक वॉक मेरे पास इसको फिनिश करने के लिए। ये जो स्प्रिंग अनियन है, अब देखिए जो चेस्टनट है ना, ये भी गोल गोल है, तो इसे भी ज़रा गोल गोल हम काट लेते हैं स्प्रिंग अनियन को। और ये स्प्रिंग अनियन बहुत हो गए, तेल गरम, और गरम तेल के अंदर डाल दिया ये, और इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ अदरक, ये थोड़ा ज़्यादा, आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेटेड जिंजर भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश डालिए, और इसके साथ साथ गार्लिक। तो ये देखें आप कि इसमें जिंजर गार्लिक की जो मात्रा है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा डाली है। ओके, और ये यहाँ पर हमारे पास जो चेस्टनट्स हैं ये देखिए, तो ये अब जब हम घर में चाइनीज़ खाना बनाते हैं तो रेस्टोरेंट जैसा नहीं बनता, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं। अब लेकिन आप देखेंगे कि ये जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा। हाँ, उसमें अब कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हम तेल में इसको फ्राई कर रहे हैं तो तेल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। रेस्टोरेंट होटल के अंदर ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसे ही होती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाया जाता है। जैसे हलवाई के पास आप जाते हैं, समोसे कढ़ाई के अंदर 50-100 समोसे इकट्ठे फ्राई हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा तेल लगेगा ही, घर में ज़रूरी नहीं है कि उतना आपको लगाना है। अच्छा, ये आपने कर दिया इसको तैयार, और ये जा चेक कर लेते हैं, बढ़िया लाल हो गए ये। और ये जो हमारा प्याज है अदरक और लहसुन के साथ, ये भी हो गया तैयार। और इसमें क्योंकि ये क्या है, स्पाइसी, तो ये स्पाइसी मेरे पास, ये जो रेड चिली सॉस है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, थोड़ी मीठी भी है, लेकिन मज़ेदार सॉस है ये बड़ी। तो ये मज़ेदार सॉस ये इसके अंदर, और इस मज़ेदार सॉस में थोड़ा रेड चिली पाउडर भी, ये रेड चिली पाउडर। देखिए बहुत कम चीज़ें हैं लेकिन जो हैं बस ज़बरदस्त। ये हो गया, और अब थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। इसे कर दिया बंद, फ्राई करें, और तुरंत इसके अंदर। और ये यहाँ पर जो इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है हमारे पास, ये
मजेदार मसालेदार स्पाइसी वाटर चेस्टनट। अब ये हो गया तैयार, तो इसको परोस देते हैं ना। ये नाइस, एकदम बढ़िया। और अब ये देखिए स्पाइसी, स्प्रिंग अनियन ये ले लिया। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं थोड़ा ज्यादा डाल रहा हूँ। बिल्कुल ज्यादा डाल रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है स्प्रिंग अनियन। अब आपको उतना अच्छा नहीं लगता तो कम ज्यादा, हाँ ज्यादा अच्छा लगता है ज्यादा डालिए, कम अच्छा लगता है कम डालिए, खैर इसमें अच्छा ही लगेगा। क्रिस्पी चेस्टनट्स बनाने के लिए एक कढ़ाई में काफी सारा तेल गरम करें, फिर एक बोल में चेस्टनट्स ले, उसमें डालें कॉर्न स्टार्च, मैदा, नमक, सोया सॉस और एक बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से मिला ले। चेस्टनट्स को गरम तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल ले। एक नॉन स्टिक वॉक में एक छोटा चम्मच तेल गरम करे। हरे प्याज के सफेद भाग को गोल गोल काटे और पत्तों को बचाकर रख ले। फिर वॉक में डाले हरे प्याज का सफेद भाग, अदरक और लहसुन और अच्छे से भून ले। फिर डाले बचा हुआ रेड चिली सॉस और बचा हुआ लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिलाए और 2 मिनट तक पका ले। बचे हुए हरे प्याज के पत्तों को भी गोल गोल काट ले। फिर वॉक में डाले तले हुए चेस्टनट्स, टॉस करके मिला ले और 1 मिनट के लिए पका ले। हरे प्याज के पत्तों के गोल से सजाकर गर्मा गर्म परोसे। Yeah.